क्योंकि फिलहाल के लिए मुझे वहां पर तीन खिलाड़ी तो नजर आते हैं, लेकिन दूसरे वहां पर गॉड लाइक की बात की जाए, एंट्री तो कर ली है गॉड लाइक वर्सेस टीम सोल अगेन यहां पर, बट ये एंट्री जो थी मेरे ख्याल से टीम सोल को पसंद नहीं आई और फिलहाल के लिए यहां पर नियो अकेले बच जाएंगे और शायद एलिमिनेशन भी होता है, लेकिन नियो भी यहां पर कोशिश करेंगे कि किसी ना किसी खिलाड़ी को यहां पर नॉकआउट कर दे। देखिए रिस्क लिया गया है क्योंकि उनको जाना था जोन के बीचों बीच, लेकिन उनको शायद नहीं पता कि टीम सोल के अलावा और भी काफी टीम्स है जो उनके ऊपर अभी के लिए ध्यान केंद्रित कर रही है फिलहाल के लिए। जी हां, अगर आप सेंटर में देखेंगे ना तो गॉड लाइक के एक लौते प्लेयर यहां पर बच चुके हैं, मीनवाइल टीम माया भी एलिमिनेट हो जाएगी, एक फिनिश ही उनके खाते में आएगा। नौ टीमें 23 प्लेयर्स हैं और नियो जैसा कि मैंने कहा था ना, टीम गॉडलाइक अगर अकेला प्लेयर भी है ना तब भी वो अटैक करने में बिलीव करते हैं, तो नेट यहां पे जरूर आया है नियो की तरफ से, बट अभी मेरे ख्याल से उनको अपने आप को हील करना पड़ेगा। उनके पास ना हेलमेट अच्छा है ना उनके पास वेस्ट इतनी अच्छी है और शॉट्स अभी भी उनके पीओ को नहीं पता थी और पीओ को यहां पे नॉक कर दिया जाता है नियो के द्वारा। अब अभी भी स्मोक कर रहे हैं, उनको पता है कि अभी भी अपना विजन बनाना काफी इंपॉर्टेंट। नियो यहां पे स्प्रे करने की कोशिश करते हैं, अक्षय और नियो एक अच्छा बैटल, नियो एक और प्लेयर को यहां पे नॉक करते हैं, दो प्लेयर्स को नॉक कर चुके हैं, बट गोल द थर्ड गाय प्लेयर नंबर 3 आते हुए और बचाते हुए टीम सोल को नियो को खत्म कर दिया जाएगा। इसी के साथ गॉड लाइक एलिमिनेट होंगे सातवें पायदान पे।